हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी अभी आपने सो को उठा था मैं आज 8:30 बजे, क्योंकि रात में लेट सोया था, ब्लॉग एडिट करना था। तो सो के उठने के बाद घर में तो कोई है नहीं, आपको ऐसे पता है कि सब गए घूमने के लिए, तो करना पड़ा मुझे ये झाड़ू पोछा, ये थोड़ा साफ सफाई। सेरा को मैं घुमा के ले आया, सेरा अभी कर रहा है आराम, यानी वो सो रहा है, और अभी जा रहा हूँ यार, चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे मैं चाय ज़्यादा पीता नहीं यार, कभी कभी जब मन करता ना तो पी लेता हूँ, अभी मन कर रहा है, जा रहा है थोड़ा सा बनाने, फिर चाय पीऊँगा। सो गाइस, चाय मैं ऐसे नहीं पीता यार, चाय के साथ मेरे को खाना होता है रस, रस के बिना मैं चाय कभी नहीं पीता। तो जा रहा हूँ यार रस लेने के लिए, रस लेके आता हूँ यार, फिर थोड़ा चाय और रस खाता हूँ। देखो गाइस, चाय आ गई, ये नमकीन लेके आया मैं, दुकान बनती है तो नमकीन ले आया, ये देखो नमकीन। चाय अभी खाऊंगा और खाना बैठा दिया यार बनने के लिए, ये देखो चावल दाल चावल भुजिया बनाऊंगा और मस्त से खाऊंगा, क्योंकि घर में यार कोई है नहीं बनाने वाला, तो यार सब कुछ मेरे को ही करना पड़ रहा है। क्या करूं यार, अकेले छोड़ के चले गए यार, क्या करूं यार। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि यार मेरा सेरा बीमार था ना, इस वजह से यार उसको अकेला छोड़ के यार जाना अच्छा नहीं था ना, तो नहीं गया यार उसको छोड़ के, इसलिए यार मैं यहीं पे रह गया। सो गाइस, दाल और चावल बन चुके, अभी बन रही है भुजिया जो मैं बना रहा हूँ। मैं भुजिया गाइस बहुत अच्छा बनाता हूँ, और चाय भी उसके साथ साथ बहुत अच्छा बनाता हूँ गाइस। चाय मैं पीता नहीं हूँ, वैसे बनाता तो अच्छा हूँ गाइस। अभी बजने वाले 11:30 बजे तक, भाई अपना खाना नहीं बना अभी तक, बैठा दिया है, बनने ही वाला है। सो फाइनली यार खाना वाना बन गया, और दोपहर के बज गए 1। दाल यार पता नहीं मैं कौन सा बैठा दिया था, वो पकी नहीं रहा था। फिर काफ़ी देर तक मैंने उसको गैस पर बैठाया, कम से कम 10 सीटी लगेगा इस, तो जाके दाल पका, और दाल जाके फिर बाद में देखा तो पूरा सूख गया था। फिर पानी वानी डाल के जैसा यार कहा करूँ यार, खाना ही बनाने नहीं था, क्या करूँ, जैसा बनाया वैसा खाना पड़ेगा। ये देखो सेरा को मैंने खिला दिया, अपना सोरा तो जा रहा है यार खाना वाना खाने, भूख भूख लगी है, मम्मी पापा अभी तक आए नहीं, देखो कब आते हैं। सो गाइस, आज का मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, ये दिखाऊं, ये देखो बारिश आने वाली है, काले काले बादल है गाइस, देखो गाइस आज बारिश आने वाली है, मजा आ जाएगा यार। आज ठंडा ठंडा मौसम हो गया, काफी दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो फाइनली आज बारिश होगी गाइस। बहुत तेज आने वाली है बारिश, पूरा अंधेरा, कैमरा सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, कैमरे में अभी उजाला लग रहा है लेकिन बहुत अंधेरा है गाइस, आंधी भी चल रही है, देखो बारिश के साथ साथ गाइस आंधी, देखो आज देखो गाइस। मजा तो बहुत आ रहा है, गेट के सामने खड़ा हो गया हूँ, बूंदे बूंदे पड़ गए तो बड़ा मजा आ रहा है, देखो देख रहा है पूरा आंधी तूफान सब आ रहा है, झंडे से अंदाजा लगाओ, देख रहे हो मजा बहुत आ रहा है। लेकिन हमारा सेरा देखो, सेरा आजा नहा ले, देखो सेरा को नहला रहा हूँ, उसके यार शरीर में जादू हो गया है ना, इसके वजह से ठीक हो सकता है, बारिश के बारिश में नहाने से ठीक हो जाता है ना। आज मैं भी नहा रहा हूँ, देख रहे हो बहुत मजा आ रहा है यार, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है लेकिन मजा बहुत आ रहा है, देखो काटने लगा, अपने आप ही फोन काम कर रहा है, देखो अपने आप ही हो गया, गीला आ गया ना, तो चल इधर चल आ जा गाइस, के लाल लाल जिसमें पीपरा टाइप के होते हैं वो ठीक होता है गाइस, ऐसे लाने से बैटरी की, फोन की बैटरी लो गई गाइस, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही है। अभी देखो बस नहा रहे हैं, अब नहा के बस नीचे जाऊंगा खाना वाना खाऊंगा। फाइनली गाइस नहा धोआ के ऑल सेट, बारिश में नहाया यार, एकदम मन ठंडा ठंडा हो गया, बहुत मजा आया, सेरा को भी नहलाया, सेरा यार कांपने अपने लगा था, लाइट जलने रही है गाइस, लाइट जला देते हैं गाइस, ये देखो सेरा को भी नहला दिया, सेरा मजा आया गाइस, अब ठंड लग रही है, अब यार सोएगा, नहाने के बाद नीचे आया था तो बहुत फुदक रहा था, इधर से उधर से भाग रहा था, बट फाइनली अब जाके वो थक गया होगा तो आराम कर रहा है, सो रहा है। मैं जा रहा हूँ यार अब खाना खाने, दोपहर के बज रहे हैं 2:00 बजे, तुम्हारा भाई जा रहा है खाना खाने, बताओ यार जो खुद बनाता है ना यार उसको खाने का मन नहीं करता है, आपके साथ भी होता है ऐसा तो यार कमेंट करके बताना, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, अगर आप खाना बनाते हो तो खाने का मन करता है कि नहीं करता, मुझे तो नहीं करता यार, लेकिन अब क्या करें, भूख लगी, अब जा रहा हूँ खाने वाने के लिए। सो गाइस अभी शाम के बज रहे 7, बाहर एकदम रात हो गई है। सेरा भी गाइस नहाने के बाद, जब मैं तब बोला था ना कि सो रहा है, जब सो ही रहा था अभी अभी उठा है, अब जा रहा हूँ यार थोड़ा सा घुमा के लाऊं, फिर लगे थोड़ी सी भूख, बनाऊंगा थोड़ा मैगी खाया जाए। तो गाइस मैगी बन रही है, मैगी बनाने के लिए मैंने रख दिया है, दिखाता हूँ गाइस, दिखाता हूँ यार, देखो गाइस मेरी मैगी,
अभी उबल रही है, मतलब उबलनी बन रही है। मम्मी अभी तक नहीं आया यार घर पे, मम्मी आएंगी रात में 11-12 बजे तक, क्योंकि मम्मी बोल रही थी अभी कॉल आया था तो कह रही थी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, इधर उधर भटक गई हूँ, इसलिए थोड़ा लेट होगा, खाना बना के रखियो। खाना फिर भी वो उनको वही वाला खाना पड़ेगा जो सुबह में बनाया था। मेरे को लगा सुबह मम्मी आ जाएगी तो फिर खाना वाना बना देता हूँ, लेकिन सुबह नहीं आ पाई तो यार वही वाला खाना बच रखा है, तो यार वही खाना पड़ेगा। पापा आगे देखो ये कार। तो यार सब फाइनली अभी रात के 11:30 बजे 11:30 बजे तक घर पर पहुंचे हैं। भैया गए बाहर, अभी डिमांड हो रही है चाय की, तो यार तुम्हारे भाई ने चाय बनाने के लिए बैठा रखा। लाए पेड़े कैसे हैं, ओरिजिनल वाले हैं पापा, पिलपिले हैं ये तो। चाय अभी खाता हूँ। भाई जी फुल ओरिजिनल है यार, इतना दूध लग रहा है, मैं दूध खा रहा हूँ, मलाई जैसा लग रहा है गाइस, एक नंबर। एक ये है, एक बार हम कहते वृंदावन, वृंदावन के अंदर एक पेड़े मिलते हैं, वो भी एक नंबर, पूरा प्योर। ये मस्त गाइस, ये फोटो है, फोटो आपको दिखाता हूँ कैसे हैं। तो आपको घर बैठे दर्शन मिल जाएंगे खाटू बाबा के। पेड़ी है ये देखो गाइस, मस्त है। मस्त है गाइस, है ना, ऐसे है बाबा क्या? आइए कौन है ये सरासर, ये और बाबा बालाजी। अच्छा दोनों एक में मिल गया, दोनों के फोटो देख रहे हैं दोनों के। अच्छा लगवाए हो क्या? लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे गाइस इसको यहाँ टांगेंगे फाइनली, ये बेड का सिराना और यहाँ पे टांगेंगे। चाय वाय बन गया, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहा है। भैया कहीं चले गए, भैया को कॉल करने जा रहा हूँ, वहां से लेके आएंगे कुरकुरे गाइस। ये देखो मजा गाइस, इसलिए मजा आया क्योंकि प्राइवेट कार थी, कार में बैठ के जाना, कार में बैठ के आना, किसी बात का टेंशन नहीं, चलने वाले का भटकने भटकने का। एक बार बाबा के खाटू श्याम बाबा के ढूंढते ढूंढते एक बार दर्शन का आया 10 बजे रात के, फिर सुबेरे पर नहा के 5 बजे भोर में। गाइस देख रहे हो किस्मत, दो दो बार दर्शन दिए, दो दो बार। कुंड पे नहीं गए थे हम लोग, दोनों कुंड भी है वहाँ, नीचे उतरना पड़ता है कम से कम 2-3 फुट। सो गाइस रात के बजे 12:30, सब जने खाना वाना खा लिए, सेरा को भी मैंने खिला दी दवा, दवा यहाँ पे पूरा गिरा दिया, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है इसे गाइस, दवा भी नहीं खाता, दवा के नाम पे इतना भागता है ना, अभी इस बेड में घुस गया था गाइस, बताओ दवा पीने के नाम पे। सो गाइस सब खाना वाना खा लिए, मैं भी खा लिया, अब जा रहे हैं सोने के लिए। बस आज के लिए इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।